साल 2008 मसाई मारा के जंगलों में एक ऐसे शेर का जन्म होता है जिसे आज हम स्कारफेस के नाम से जानते हैं। जंगल का एक ऐसा राजा जिसने 13 साल की जिंदगी में एक असली राजा कौन होता है ये बताया। एक ऐसा राजा जिसने ये बताया कि क्यों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे ही शेर की जिसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरे 13 सालों तक मसाई मारा के जंगलों में राज किया। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एक समय पर केन्या के मसाई मारा के खौफनाक और घने जंगलों में एक ऐसे शेर का जन्म हुआ जिसे दुनिया आगे चलकर स्कारफेस के नाम से जानने वाली थी। शुरू से ही ये शेर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। आप यकीन नहीं मानोगे कि स्कारफेस ने अपनी पूरी लाइफ में करीबन 5000 से भी ज्यादा शिकार किए थे और करीबन 30 से भी ज्यादा शेरों से ये लड़ा था। कहा जाता है कि स्कारफेस ने अपनी जवानी के दिनों में अपने 3 भाई मोरानी, सिकियो और हंटर के साथ मिलकर मसाई मारा के जंगलों में एक ऐसा राज्य स्थापित किया कि इन्हें उस समय पर सबसे खतरनाक शिकारियों में गिना जाने लगा। अब दोस्तों एक दिन जब स्कारफेस अपने इलाके के लिए किसी दूसरे शेर से लड़ रहा था तब उसी लड़ाई में उसके चेहरे पर एक गहरा निशान आया एंड ये निशान उसके आँख के जस्ट ऊपर था, इसलिए उस दिन से इसका नाम पड़ गया स्कारफेस। अब समय के साथ साथ स्कारफेस और उसके भाई मसाई मारा के वास्ट इलाकों में अपना राज्य करते रहे, पर कहते हैं ना कि वक्त का असर हर जीव पर पड़ता है और यही असर पड़ा स्कारफेस पर भी, पर एक अलग ढंग से, क्योंकि स्कारफेस अपने बुढ़ापे के दिनों में अपने इलाके को छोड़ने के बजाय अपने जीवन के आखिरी पल तक वहां राज करता रहा एंड 2021 की एक सुबह स्कारफेस ने अपनी आखिरी सांसें ली। जहां स्कारफेस का जन्म एक खतरनाक शेर की तरह हुआ, वहीं उसका अंत एक समझदार और शांत राजा की तरह हुआ एंड उसके मरने के बाद उसका नाम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्रीज और सफारी के जरिए पूरी दुनिया में फैली। तो दोस्तों ये थी एक मशहूर शेर स्कारफेस की कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इससे आपने क्या सीखा ये कमेंट में बताना जरूर।